जोकिंग ब्लॉग्स रॉन्ग रॉन्ग मुद्गल, हम आपके भी बहुत बड़े फैन है साहब। जोकिंग ब्लॉग्स, अरे लौंडे आ गया। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का इस वीडियो की प्लानिंग मेरी बहुत दिनों से चल रही थी, मतलब बहुत दिनों से मैं सोच रहा था इस टाइप की कोई वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन कहीं बन नहीं पा रहा था, एक टाइमिंग थी। लेकिन आज इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने फाइनल डिसीजन ले लिया है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, बात कुछ ऐसी है कि अगर आप कभी भी मेरे इंस्टाग्राम पे गए हो तो वहाँ हाइलाइट्स पे आपने देखा होगा कि रोम रोम जी के साथ या फिर वो मेरी बात कर रहे हैं, उस टाइप की दो वीडियोज चली है। अगर आपने नहीं भी देखा हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले दिखा ही देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। करना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली घर बैठे कुछ हो जाएगा, करता रहे भाई, छोटे लाइफ एकदम पटरी पे आ जाएगी, कब आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। जब मेहनत करते हैं ना, जब कोई नहीं देख रहा होता और बिल्कुल इच्छा भी नहीं होती, मन भी नहीं कर रहा होता, पर फिर भी कर रहे होते कि क्योंकि करना यही हमारा काम है और हमें तो करते जाना, रिजल्ट जब आएगा जबकि जब देखी जाएगी, वो सोच से करता रहे, व्लॉग्स बनाता रहे, वीडियो बनाता रहे और बनाता रहे और बनाता रहे और बनाता रहे, जो 300 के और फिर मिलियन बिलियन भी पहुंचेगा, क्यों टेंशन ले रहा, साथ में पहुंचेंगे, साथ में फिर फैन फेस्ट वगैरह अटेंड करेंगे। व्लॉग्स को भी कर लो सब्सक्राइब, देखो लौंडे की मेहनत, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, वैसे ठीक काम करता है। हाँ, तो इन्हीं वीडियोस को देखने के बाद मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं, जो नए मेरे को फॉलो करते हैं या फिर जो पहले से कर रखे हैं मेरे सारे दोस्त वगैरह, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया तेरा रोम रोम जी के साथ क्या कनेक्शन है। जो उनको नहीं भी जानते तो मैं बता देता हूँ, वो जैपनीज यूट्यूबर, मतलब इंडियन ही है लेकिन जापान में रहते हैं, वहीं की व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, तो उनके साथ तेरा कनेक्शन क्या है, बहुत से मेरे इस टाइप में कमेंट्स आते हैं, तो मैं सोचा यार एक वीडियो बना देता हूँ। तो वो मेरे को जानते हैं लेकिन ऐसा मैं उनसे कभी पर्सनल नहीं मिला और ऐसा कुछ नहीं है, ये एक बहुत लंबी कहानी है, तो उसको मैं शुरू से ही शुरू करते हैं। ये उस समय की बात है जब एक घूमता हुआ उल्का पिंड धरती से टकराया और डायनासोर की विनाश का कारण बना। इतनी जाना भी पुरानी नहीं है, तू रहने में ही सुना दूंगा। स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो 2 साल पहले की बात है, ठीक है। तो एक दिन वो लाइव कर रहे थे और मैं उनको पहले बहुत पहले से देख रहा हूँ, तो वो लाइव कर रहे थे और मैं रैंडमली मैंने लाइव खोली, तो लाइव में बहुत लोग होते हैं तो अपन कुछ लिखते हैं तो पहुँचता तो है नहीं, लेकिन ऐसे ही मैंने रैंडमली लिखा आई एम योर बिग फैन एंड मेरा नाम ले दो कृष्णा मुद्गल, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने करा, एक दो बार भेजा तो उन्होंने सच में ही पढ़ लिया, तो वो बोल पढ़ते हैं कि आई एम योर बिगेस्ट, मैंने लिखा था वो आई एम योर बिग फैन, तो बोलते हैं नहीं नहीं कृष्णा मुद्गल जी, हम आप जो पहले जोकिंग ब्लॉग्स आईडी का नाम पढ़ा, जोकिंग ब्लॉग कृष्णा मुद्गल, हम आपके बहुत बड़े फैन है। तो जोकिंग ब्लॉग्स रॉन्ग रॉन्ग मुद्गल, हम आपके भी बहुत बड़े फैन है साहब। तो पहली क्लिप की तो ये स्टोरी थी बस, और ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन दूसरी क्लिप की थोड़ी स्टोरी है, ठीक है। तो ये क्लिप हो जाती है, ये जो सबसे पहली क्लिप थी अपनी, फिर दूसरी ये वाली क्लिप थी, उसमें क्या हुआ था कि ना कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी कड़ी पुलिस वाली, आपने वो वाली वीडियो शायद देखी होंगी, अब देखने की कोई मतलब नहीं है लेकिन पहले देखी हो तो वो वीडियोस थी, ठीक है। तो उसमें रोम रोम जी की ही कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उस कंट्रोवर्सी में क्या होता है, मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी ऐसी नॉर्मली, व्यूज़ के लिए नहीं, मतलब मैं तो ऐसी डाल रहा था, मेरे को मालूम चल जाएगी, वो चल गई थी, तो उसमें उनका कॉमेंट आता है मेरे पास, अच्छा उनका कॉमेंट आता है, उनकी दीदी का भी कॉमेंट आता है, तो मैंने क्या बोलते हैं उनकी दीदी से तो मेरी इंस्टाग्राम पे भी बात हुई है बहुत बार, ठीक है। तो उनका कमेंट आता है तो उसके बाद ये पूरी कॉन्ट्रोवर्सी खत्म हो जाती है, उन्होंने मेरी वीडियो देखी, तो ऐसे मैंने उनको स्टोरी वगैरह भी टैग करा तो उन्होंने मेरी स्टोरीज भी देखी थी, तो उनको मतलब मालूम चल गया था कि हाँ मैं हूँ, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, वो दोबारा से लाइव ही करते हैं, लाइव करते हैं तो मैं उनको सुपर चैट करता हूँ, एक पता नहीं 100 रुपये की करी थी कितने की, मेरे को मालूम था कि हाँ कि वो मेरे को जानते तो हैं, सुपर चैट करूँगा तो थोड़ा टेंशन मिल ही जाएगा, तो मैंने उनको सुपर चैट करी थी। सुपर चैट में वो वैसे सुपर चैट भी नहीं पढ़ते, लेकिन पढ़ लिया मेरा सुपर चैट, तब बहुत लोग सुपर चैट कर रहे थे, मैं तो 100 रुपये की करी थी, तो उन्होंने मेरा सुपर चैट पढ़ लिया कि मैं जोकिंग व्लॉग्स, अब बाकी तो वो पहचान ही गए, तो आपने वो बाकी की क्लिप तो देखी ली थी, तो ये पूरी यही स्टोरी थी मेरी, और वो क्लिप आप देख सकते हो, ये स्टोरी जिसमें सस्पेंस था, सब लोगों को ये सब लग रहा था कि हाँ भाई मेरे को पर्सनली जानते हैं, बस इतनी स्टोरी थी, और उसके बाद मैंने उनको अपनी उस पर डाल लिया था हाईलाइट्स पर, और सब लोगों को लगने लगा पता नहीं क्या है, ये थी पूरी स्टोरी, ठीक है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं नए कृषि ब्लॉग में, अगर जल्दी टाइम मिला तो डालूंगा, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन यार पेपर भी आने वाले हैं इसलिए। तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।